हेलो फ्रेंड्स, रसोई फूड हाउस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की रेसिपी है सूजी से बने हुए अप्पे, जिसे करते हैं हम बनाना स्टार्ट। तो देखिए, अप्पे के लिए हमें क्या क्या सब्जियां लगेगी उसको हम कर लेते हैं तैयार। सबसे पहले ले लिया एक कटोरी सूजी, उसके बाद हमने लिया है एक कटोरी दही, उसके बाद हमने लिया है बारीक कटी हुई ककड़ी, उसके बाद हमने लिया है एक शिमला मिर्च, उसके बाद हमने लिया है प्याज, उसके बाद हमने लिया है टमाटर, उसके बाद हमने लिया है बारीक कटी हुई मिर्ची और धनिया। उसके बाद हम इसमें ऐड कर लेते हैं थोड़ा सा नींबू का रस। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, 2 टेबल स्पून के लगभग, और अब डालेंगे हम इसमें थोड़ा सा मीठा सोडा, 1 टेबल स्पून के लगभग, और हम इसे अच्छी तरीके से मैश कर लेंगे। ये देखिए, हमने अच्छी तरीके से सारी सब्जियों और सूजी को मिक्स कर लिया है। ये देखिए, हमारा मिक्सचर अच्छी तरीके से तैयार हो गया। अब इसमें हम ऐड करेंगे पानी। पानी की कंसिस्टेंसी बराबर होनी चाहिए ताकि हमारा बैटर ना ज़्यादा गीला हो और ना ज़्यादा पतला हो। तो ये देखिए, हमारा बैटर बन के तैयार हो गया है। गैस का फ्लेम हमने कर लिया है, गैस को कर लिया है ऑन, और अब इस पर हम डालेंगे तेल। तेल हमने अच्छी तरीके से चारों तरफ ग्रीस कर लिया है, हमारा फ्लेम गर्म हो चुका है। अब हम इस पर डालेंगे ये बैटर। ये देखिए, मैंने चम्मच की मदद से थोड़ा थोड़ा करके सभी खंदों पर ये बैटर डाल दिया है। आप भी धीरे धीरे करके, एक एक चम्मच करके इसमें अपने बैटर को तैयार करें। ये देखिए, सारा बैटर तैयार हो गया। अब हम इसे ढक देते हैं और गैस को मीडियम फ्लेम पर छोड़ देते हैं। ये देखिए, हमारे अप्पे एक तरफ से सिक गए हैं। इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे तेल। तेल हमने अच्छी तरीके से ग्रीस कर दिया है। अब हम एक चम्मच की से इसे पलट लेंगे। ये देखिए, कितना अच्छा कलर आया है और अच्छी तरीके से हमारा अप्पे एक तरफ सिक गया है। इसी तरीके से हम सारे अप्पे को पलट लेंगे, और इसे पलटने के बाद फिर से हम ढककर 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर छोड़ देंगे। ये देखिए, 10 मिनट हो चुके हैं, हमारा अप्पे बनकर तैयार हो गया है। कितना अच्छा कलर आया है, और ये देखिए, कितने अच्छी तरीके से बनकर तैयार हो गया है। तो ये देखिए, तैयार है अप्पे की रेसिपी।